सर, अगर कि मैं बात करूं आपसे, तो जब आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगाया था तो आपके बिजली के बिल कितने आ जाया करते थे? 3,000 से 4,000 के बीच में। 3,000 से 4,000 के बीच में। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आप मेरे पीछे जो खूबसूरत सा घर देख रहे हैं, ये मंगला प्रसाद सर का है, जिन्होंने 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। और मैं आपको मंगला प्रसाद जी से मिलवाऊंगा, क्योंकि ये 8 महीने पुराने हमारे कस्टमर, और मैं उनसे मिलवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको पूरा सोलर सिस्टम सेटअप को दिखाऊंगा कि लाइटिंग अरेस्टर सही से काम कर रहा है कि नहीं, लाइटिंग स्ट्रक्चर सही से है कि नहीं, स्ट्रक्चर सही से खड़ा किया गया है कि नहीं। 8 महीने में अगर देखा जाए तो धूप, गर्मी, आंधी, तूफान सब कुछ झेल लिया है, तो स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल से। उसके बाद मैं सर से मिलवाऊंगा, उनके अनुभव को जानेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको ये पता चल जाएगा कि ऑन ग्रिड में आने का क्या फ़ायदा है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, ये आपके लिए काफ़ी रोचक होने वाला है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 4 किलोवाट की ये साइट है, जहाँ पर मोनोपर्क हाफ कट पैनल लगा हुआ है। वहीं बात की जाए पीछे साइड में, आप देखेंगे तो ये लाइटिंग अरेस्टर है जो आकाशीय बिजली से सर के घर को भी और इस पैनल सेटअप को भी सुरक्षित रखती है। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं कि ये 8 महीने पहले का स्ट्रक्चर है, फिर भी इसमें किसी भी प्रकार की जंग वगैरह नहीं लगी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये GI चैनल का यूज करते हैं, ताकि 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी पैनल की है, तो ये भी 25 सालों तक चले। इसमें कहीं भी एक भी जगह जंग नहीं दिख रही होगी आपको। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने दिख रहा होगा DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेनली काम यही होता है कि जो अचानक से जो आकाशीय बिजली गिरती है, उसकी वजह से पैनल से इलेक्ट्रिसिटी अधिक जनरेट हो गया, वो इन्वर्टर को क्षति पहुंचा सकता है। उस स्थिति में अगर अधिक पहुंचाता है तो इसका MCB डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, जिससे इन्वर्टर को प्रोटेक्शन मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए बगल में, तो AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का भी यही काम होता है कि अक्सर देखते होंगे कि जब ग्रिड से लाइट आती है तो वो फ्लक्चुएट करती है, कभी अप डाउन होती रहती है, तो उस स्थिति में जो इन्वर्टर में जाए तो उससे पहले इसको सेफ करें। अगर कि मान लीजिए फ्लक्चुएट करके अधिक हो गया, जिसे कभी कभी गांव में देखते होंगे कि सारी गांव की लाइटें जल जाती हैं, किसी के पंखा वगैरह, इन्वर्टर वगैरह जल जाता है, तो उस स्थिति में ये इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगा, इसका MCB गिर जाएगा। वही बात की जाए हमारा आन्या ग्रीन का इन्वर्टर, आप सामने देख रहे होंगे, ये इन्वर्टर मेनली यही काम है इसका, DC से AC में कन्वर्ट करना और सीधे सप्लाई AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को देना। इसके थ्रू ग्रिड में जाएगा और होम अप्लायंसेस को आप यूज कर पाएंगे, और जो भी बचेगा नेट मीटर के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा, जो आप बाद में अगर कि रात के टाइम में जब जनरेट करना बंद करता है तो वो वापस आएगा, तो उसी में नेट मीटर में कैलकुलेट रहता है कि कितना आपने लिया, कितना दिया। तो दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम साइट के ओनर से मिलवाएंगे, तो सर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इनका अनुभव कितना रहा है, लगभग 7-8 महीने से इन्होंने लगाया हुआ है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम मंगला प्रसाद है जी, मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड हूँ जी जी। हाँ। ये लोकेशन कौन सा है? रमई पट्टी। हाँ। ये वाराणसी जिला पड़ता है सर? हाँ, हाँ। वाराणसी जिला में RTO ऑफिस के पास। हाँ, है। हाँ। तो सर के अनुभव को हम जानेंगे, और सर हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। सर, अगर कि मैं बात करूं आपसे, तो जब आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगाया था तो आपके बिजली के बिल कितने आ जाया करते थे? 3,000 से 4,000 के बीच में। 3,000 से 4,000 के बीच में। सर, आपके घर में क्या क्या अप्लायंसेज यूज कर होते हैं? जैसे AC है, कूलर हैं, फ्रिज हैं जी, ये सारे अप्लायंसेज। तो सर का अगर घर भी देखे तो काफ़ी खूबसूरत है, और सर के यहाँ हैवी यूज़ भी होता है, 3,000-4,000 का बिल आता था। सर, अगर की बात की जाए आज से 6-7 महीने पहले, तो बहुत लोगों को ऑन ग्रिड के बारे में पता नहीं था। हाँ। आपको सर कैसे पता चला ऑन ग्रिड के बारे में? नहीं, हमें तो पता चल गया था पेपर, न्यूज़पेपर से जी। हाँ। तो हमारी कंपनी के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली सर? नहीं, कंपनी के बारे में तो हम पहले से जानते थे। कैसे, मतलब सोर्स क्या था? हाँ। सर, हमारा एक रिलेटिव है, उनके माध्यम से। अच्छा। जानते थे। तो सर, अगर बात की जाए आपका इतने महीने का अनुभव था, अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कमाता है सर? बिलो 1,000 है। 1,000। सर, अगर की बात की जाए तो आपने बुकिंग प्रोसेस कैसे किया,
की हमारे कंपनी के बारे में जाना, तो फिर बुकिंग कैसे किया? फिर कॉन्टैक्ट किया कंपनी से जी, और तो कंपनी ने सारा प्रोसेस किया। सारा प्रोसेस वहाँ कंपनी में विजिट किए थे सर? नहीं, फोन से ही। हाँ तो सर पहले बुकिंग अमाउंट कुछ जमा करना होता होगा, कुछ वैसा कुछ प्रोसेस था सर? हाँ, बुकिंग अमाउंट जमा किया था। कितना सर किए थे? करीब 1,00,000 रुपये जमा किया। और फाइनेंस कराए थे? फाइनेंस नहीं कराया था। सारा पेमेंट ही कर दिया। तो सर अभी प्रधानमंत्री जी का, जैसा कि आप जानते हैं, स्कीम है सब्सिडी वगैरह का, तो आपको सब्सिडी वगैरह मिला है सर? 93,000 मिला है। 93,000, 63 सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, और 30 जो है स्टेट गवर्नमेंट का। उस टाइम सब्सिडी के स्कीम थोड़े से अलग थे, और पर किलोवाट के हिसाब से थे, तो सर को 93,000 मिला, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन था। अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो ये सब्सिडी 3 किलोवाट के सिस्टम पर 1,08,000 रुपये हो गई है। तो सर का काफ़ी पुराना अनुभव रहा है। तो सर अब उस टाइम पे आपने बुकिंग प्रोसेस किया, तो फिर उसके बाद कितना टाइम लगा आपके यहाँ समय, मतलब इंस्टॉल होने में सब सिस्टम? 15 दिन के अंदर हो गया। तो सर हमारी जो इंजीनियर्स की टीम थी यहाँ पे, उनका काम कैसा रहा सर? बहुत अच्छा। मतलब आपको स्ट्रक्चर वगैरह में कोई दिक्कत अभी ना, तक? कहीं नहीं, कुछ नहीं। और इन्वर्टर वगैरह में कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक सर? अभी कोई प्रॉब्लम फेस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सब्सिडी आपको मिला था सर? सब्सिडी को लिए के लिए कुछ भाग दौड़ कागज पत्र सरकार वगैरह? कुछ नहीं, सारा काम कंपनी ने ही कराया। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा? कहीं नहीं। तो सर आप अगर कि पूरा अगर देखा जाए तो आपने अच्छा अनुभव किया है। हाँ? और आपका सब्सिडी भी आ गया था, और बिजली के बिल भी काफ़ी कमी आ रहे हैं पहले से। और जबकि होता नहीं कि कमाने के बाद कि भाई कम आ रहा, थोड़ा हम अब रिलैक्स रहेंगे, नहीं पहले नहीं, अब जैसे दिन भर तो सोलर से काम चल। हाँ, रात में तो चलते रात हैं, तो फिर वो सब उसका बिल आता। हाँ, रात में भी सर जो बिल आता है वो भी माइनस होता है। हाँ, अगर कि देखा जाए कि जैसे कि आपने जो ग्रिड में गया है, ग्रिड में जो गया है वो माइनस हो जाता है। तो सर अभी उस टाइम पे जो पैसे मिले थे उसका कहीं ना कहीं तो उपयोग किए होंगे सर? 93,000 जो मिला सब्सिडी। हाँ, वो जैसे अपने पॉकेट से लगाया। हाँ, तो उसको अपना आ गया। और सर जो मंथली सेविंग आपकी हो रही है उसका भी कहीं कहीं उपयोग करते होंगे, क्योंकि हमारे एक मतलब कस्टमर थे जिनसे बातचीत किया, तो उन्होंने वो SIP में डाल दिया पैसे को। कहते हैं कि जो मेरा पैसा बिजली बिल में ज़्यादा, मैं उसको SIP में डालता हूँ। अब SIP का अलग से बेनिफिट लेते रहते हैं, 2,000-3,000 रुपये महीने डाल रहे हैं, उसका अलग ही बेनिफिट है। तो सर आप वो ऐसा क्या कुछ सोचे हैं सर? कुछ हाँ, करेंगे अभी थोड़ा सा, अब उसमें उतना लग गया तो उतना एडजस्ट हो जाता, उतना पहले एडजस्ट कर रहा है। तो अगर कि सर मैं बात करूं हमारी कंपनी की, तो कंपनी का जो शुरू से लेके आपका 8 महीने का अनुभव, और कंपनी का जो सेटअप करने का तरीका वगैरह, इस पर अगर मैं आपकी फाइनल रिव्यू लूँ, तो आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे सर? 10 में 10 देंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है सर। आप अध्यापक लाइन से, फिर भी नहीं नहीं थोड़ी कमी बेसी तो हुई होगी? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं। कभी कोई दिक्कत होती है फोन करते हैं, आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। कोई मतलब सर्विस में कोई प्रॉब्लम? सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं चाहूँगा दर्शकों को फाइनल अपना रिव्यू दें, कुछ बताएं कि वो ऑन ग्रिड में क्यों आया और किस प्रकार से वो मदद कर सकते हैं समाज की। ऑन ग्रिड में आने का यही मतलब है कि अगर लाइट रहती है जी, तो उसका बेनिफिट है जी। अगर दिन में लाइट नहीं रहती तो उसका बेनिफिट नहीं है जी। फिर ग्रिड में जाएगा ही नहीं जी जी। तो अभी जो सर थे उन्होंने आपको बताया ऑन ग्रिड के बारे में, और हमारी जो बातचीत थी वो हुई। मैं सर को स्पेशली कुछ अनुभव दूँ, सर का घर तो काफ़ी बड़ा है, चाहे तो पेड़ पौधे बहुत लगा सकते हैं, फिर भी अगर कि आपने 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया सर, क्या आप, मैं आपको जानकारी दे दूँ, 1 किलोवाट का जो सिस्टम जितना ये बिजली बनाने में प्रदूषण होता है उसको अवशोषित करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं सर। तो आपने 4 लगा लिए हैं सिस्टम, तो लगभग 180 के आसपास पेड़ आपने लगा लिए हैं, 184 कहा जा करके, तो 184 पेड़ आपने छत पे छोटे से जगह में लगा लिए हैं, जो इन्वायरमेंट को काफ़ी मदद करने वाला है। और आपको मैं बता दूं, 1 यूनिट बिजली बनाने में सर 0.5 किलो कोयला का खपत होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयला और इन्हीं सब चीज़ों से बिजली बनती है सर। तो और मीठे पानी का भी उपयोग होता है बिजली बनाने में, तो सर ये मीठा पानी भी भविष्य के लिए बचा रहे हैं आप, कोयला भी बचा रहे हैं, प्रदूषण भी कम कर रहे हैं। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और भविष्य में लोगों को क्या संदेश देंगे कि भविष्य सुधारने के लिए सबको लगवाना चाहिए, जिसके पास
वो है जी, जितनी जरूरत है उस हिसाब से लगवाएं, उस हिसाब से लगवाएं। और इजी फाइनेंस भी अवेलेबल है, सर ने तो पूरा पेमेंट कर दिया था। हमारे यहाँ से 2-3 बैंकों का फोन आया था जी, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी तो आपने कर लिया। तो ये थे सर थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया। 9 महीने से 8 महीने से इनका लगभग हो गया सर, 8 महीने से इनका सिस्टम लगा हुआ है। इसमें अभी तक सर का बताना है कि कोई शिकायत नहीं है, और कोई थोड़ी मोड़ी बातचीत की इशू रहती है तो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं लोग, डायरेक्टली विजिट कर लेते हैं, जबकि चाहें तो फ़ोन से भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कस्टमर फर्स्ट की प्रायोरिटी रखते हैं। तो अगर कि आपको भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जाना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान, तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा कर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।